दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पांच ऐसी फिल्म के बारे में जिसने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी अब तक 16 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, उस पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें। आपको काफी मजा आएगा और काफी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी भी जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस लिस्ट की जो सबसे पहली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है हम हैं हिंदुस्तानी। और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, अवधेश मिश्रा, अयाज खान और संजय पांडे जैसे दिग्गज कलाकार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था देव पांडे ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2017 में और इस फिल्म ने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम पहले हम हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद होने वाला था, लेकिन सेंसर ने इस नाम को कट कर दिया और इस फिल्म के काफी सारे सीन भी सेंसर द्वारा कट कर दिए गए थे और इस फिल्म का नाम हम हिंदुस्तानी रखना पड़ा था। इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है सैया सुपरस्टार और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू, अक्षरा सिंह, संजय पांडे जैसे बेहतरीन कलाकार। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रेम राय जी ने, जिनकी एज ए प्रोड्यूसर के रूप में पवन सिंह के साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले प्रोड्यूसर प्रेम राय पवन सिंह के साथ 2015 में हुकूमत फिल्म में काम कर चुके थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही थी। ये फिल्म श्रेयस फिल्म्स के बैनर तले बनी थी, जिसे डायरेक्ट किया था अजय कुमार ने। फिल्म काफी शानदार थी। इस फिल्म में दिखाया गया था किस प्रकार एक आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाला युवक गाँव वालों की समस्याओं को दूर करने में लग जाता है, इस बीच उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यही इस फिल्म की स्टोरी थी। इस फिल्म के एक्शन सीन्स भी काफी शानदार रखे गए थे और इस फिल्म का एक गाना चमकीलू शीशा जैसन, ये गाना उस समय बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसे 10 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2017 में दिसंबर के महीने में और बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही थी, साथ ही साथ थिएटर में 50 दिन तक चलने में कामयाब रही थी। इस लिस्ट की जो तीसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है जिगर और जिगर इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, अंजना सिंह, सुशील सिंह और मनोज सिंह टाइगर जैसे दिग्गज कलाकार। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विकास कुमार ने और डायरेक्ट किया था प्रेमांशु सिंह ने। फिल्म को रिलीज किया गया था ईद 2017 में। फिल्म के एक्शन सीन्स काफी कमाल के थे और इस फिल्म को उस साल बेस्ट एक्शन का अवार्ड भी मिला था और इस फिल्म ने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। इस लिस्ट की जो चौथी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है गंगा मैया तोहे चढ़ेबो और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1963 में। दोस्तों, ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने में उस समय 5 लाख खर्च किए गए थे, लेकिन जब इस फिल्म को बनाया जाने वाला था उस समय इस फिल्म का बजट 1.5 लाख फाइनल किया गया था, लेकिन फिल्म बनते बनते फिल्म का बजट 5 लाख तक पहुंच गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 75 लाख का व्यवसाय किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, साथ ही साथ थिएटर में 50 दिन तक चलने में कामयाब हुई थी और कुछ थिएटर तो ऐसे थे जहां ये फिल्म 100 दिन तक भी चली थी। इस लिस्ट की जो पांचवी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है त्रिदेव और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2016 में। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे पावर स्टार पवन सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, अक्षरा सिंह, ऋषभ कश्यप गोलू और
फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और ये फिल्म अरविंद अकेला कल्लू की पवन सिंह के साथ हुकूमत के बाद दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट साबित हुए थे और ये फिल्म 2016 की एक सुपर हिट फिल्म थी जिसने बिहार में 50 दिन पूरे किए थे। तो दोस्तों, ये थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की 5 ऐसी फिल्में जिसने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है कि इन 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपने देखी है और कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।